सबसे पहला नियम, जिस नियम के कारण लोग दुनिया में इतिहास रचते हैं और जिस नियम को ना अपनाने के कारण कुछ लोग दूसरों का इतिहास पढ़ते हैं, आपको सबसे पहले यह तय करना है कि आपको इतिहास पढ़ने वाला बनना है कि इतिहास रचने वाला बनना है। इतिहास पढ़ने वाला बनना है तो जो कर रहे हो वो सब बढ़िया, कुछ करो तो बढ़िया, ना करो तो बढ़िया। इतिहास रचने वाला बनना है तो वो करना पड़ेगा जिन्होंने इतिहास रचा है और जिस रास्ते पर वो चले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर सिलेक्शन लेने के लिए कुछ जरूरी है तो मैं आपको बताऊं, आपके अंदर टैलेंट है या नहीं है ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। आपका दिमाग ज्यादा चलता है या नहीं चलता है ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। आप पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे रहे हैं बिल्कुल मैटर नहीं करता। आप गरीब परिवार में पैदा हुए हैं मैटर नहीं करता। आप गांव में पढ़े लिखे हैं मैटर नहीं करता। आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं मैटर नहीं करता। आप हिंदी माध्यम में पढ़े हैं मैटर नहीं करता। सिलेक्शन के लिए, जीवन में सफलता हासिल करने के लिए ये जितनी चीजें मैंने लिखी हैं एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं आपको सबसे खास बात बताऊं, आप अगर 100 विश्व के महान लोगों पर रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ना तो वो बहुत टैलेंटेड थे, ना उनमें बहुत ज्यादा दिमाग था, ना वो पढ़ने में अच्छे थे, ना वो बहुत ज्यादा अमीर थे। गरीब परिवार में पैदा हुए, छोटे गांव में ही पैदा हुए, सरकारी स्कूल में पढ़े, कई लोग तो पढ़े ही नहीं बहुत ज्यादा, हिंदी मीडियम में ही सब लोग पढ़े। लेकिन आप आज जिन लोगों का नाम जानते हैं, जिन लोगों को आप अपना आदर्श मानते हैं, जिन लोगों को आप देखते हैं कि काश इनकी तरह मैं हो जाऊं, आप जब उनके जड़ में जाओगे, आप जब उनकी रिसर्च करोगे, उनकी गहराई में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि शायद उनकी स्थिति, उनका बचपन, उनकी परवरिश और उनकी परिस्थितियां, आप जिन परिस्थितियों में, उससे भी बेकार थी, ठीक है। लेकिन किस चीज के कारण वो सफल हुए हैं, किस चीज के कारण आज वो महान है, किस चीज के कारण आज वो आपके और मेरे और हम सबके आदर्श बने हुए हैं, ऐसी कई हस्तियां हैं, है ना। मैं अब्दुल कलाम की बात करूं, मैं स्वामी विवेकानंद की बात करूं, मैं बाबा साहेब अंबेडकर की बात करूं, ठीक है, महात्मा गांधी की बात करूं, या सुप्रसिद्ध दुनिया में और भी कई लोग प्रसिद्ध हैं, कितने ही लोगों पे हम रिसर्च कर लें, है ना, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, विदेश में हम जाएं तो अब्राहम लिंकन हो, है ना, मार्टिन लूथर किंग हो, और ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिनके मैं आपको बता सकता हूं, उन सब में आपको यही कॉमन मिलेगा। मेरा यह मानना है कि केवल इंसान मेहनत करने से सफल नहीं होता है, इंसान सफल होता है लगातार मेहनत करने से। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है कि छोटा कदम हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि चलते रहे, हम अपना कदम रोज बढ़ाते रहे। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपटीशन कम नहीं है, करोड़ों लोग फॉर्म भरेंगे, वैकेंसीज लाखों में है या हजारों में ही है। अगर आपको इस दुनिया में जितने भी लोग आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हें अगर टक्कर देनी है, उन्हें अगर आपको हराना है, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपको वो काम करने पड़ेंगे जो बाकी सब लोगों से नहीं करते बनता। और काम कठिन नहीं करने हैं, चीजें बहुत आसान है, सफलता के नियम बड़े सिंपल है, एग्जाम्स को निकालने के नियम बड़े सिंपल है, लेकिन वो नियम ऐसे हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं है।